हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए उर्दू ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जिससे एग्ज़ाम में तो आना ही आना है। ठीक है, एग्ज़ाम में एग्ज़ाम्पल देते हैं और पूछ लेते हैं कि इनका ये टैप्स कौन टैप्स है, किसके ये उदाहरण है, किसका एग्ज़ाम्पल। ओके, तो आज मैं उनका डिटेल्स में बताऊँगा, डिटेल्स समझाऊँगा, जो कि आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम में छूटे करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते बिना देर के। और ये जो वीडियो आप जो देख रहे हैं, ये सिर्फ टेंथ क्लास के लिए नहीं है। अगर ट्वेल्थ क्लास में अगर भी उर्दू पढ़ रहे हैं, यानी कि आपका अगर एग्ज़ाम में उर्दू का ग्रामर क्वेश्चन आता है, तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको टेंथ में भी आता है, ट्वेल्थ में भी आता है, और किसी भी एग्ज़ाम में अगर उर्दू हो रहा हो तो 9, 8, 7 जो भी हो, सब में क्वेश्चन अगर आते हैं। ओके, तो देखिए मेरा वीडियो देखिए, पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पूरे देखेंगे तो सारे के सारे आपको क्वेश्चन जो है डील हो जाएंगे, किसी तरह के कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रहे होगा तो मुझे कमेंट करेंगे और मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बता दूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए और तो लाइक कीजिए। ओके, देखिए मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अलम कहते हैं किसको। ओके, तो मैं बता दूं कि अलम जो है, एक अलम मतलब, अलम के मतलब होता है नाम। ओके, अलम के मतलब ही होता है मीनिंग नाम। अब देखिए, अलम यानी कि किसी जगह, शख्स, जगह या चीज़ के नाम को अलम कहते हैं। ओके, कोई भी चीज़ का नाम हो या जगह का नाम हो या चीज़ का नाम हो, उस सब का क्या कहलाएगा, अलम। जैसे एग्जाम्पल में देखें, महमूद या किसी का भी नाम ले लें, ओके, रोहित, सोहन, सब अलम हो जाएगा। कोई जगह का नाम देखिए है ना, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, ये सब क्या हो जाएगा, अलम हो जाएगा। और ये देखिए, कलम कोई चीज़ का नाम है, ओके, किताब, कलम, पेंसिल, ये सब के सब क्या हो जाएगा, अलम हो जाएगा। तो अलम के मतलब समझ गए, अलम के मतलब होता है नाम, किसी भी चीज़ का नाम, कोई चीज़ का नाम हो जाए, कोई वस्तु का नाम हो जाए, कोई जगह का नाम हो जाए, वो सब के सब क्या हो जाएगा, अलम हो जाएगा। अब देखिए, अलम की 6 किस्में, ओके, अलम की 6 किस्में होती हैं। कौन कौन किस्में होते हैं, इस्मी, कुन्नियत, लकब, खिताब, उर्फ और तखल्लुस। मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको उर्दू थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। इस्मी, कुन्नियत, लकब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस। ओके, अब एक एक करके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं, डिफिनेशन को समझते हैं। इस्मी कहते किसको है, वो अलम है। इस्मी अलम यानी कि वो नाम भी लिख सकते हैं, या वो अलम है, वो अलम है जिसको वालिदैन या बुज़ुर्गों ने मुकरर कर दिया होगा, यानी कि एक ऐसा नाम है जिसको वालिदैन रख दिया होगा या तो बुज़ुर्ग लोग ने अपना नाम रख दिया होगा। जैसे आप, जैसे हम लोग क्या है, जैसे हम लोग का गार्जियन हम लोग का नाम रख देता है, वो सब के सब क्या हो जाएगा, इस्मी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जिशान, अहमद, निखत हो गया, इस तरह के कोई भी नाम हो गया, यानी कि वालदेन या रखे या तो कोई बुज़ुर्ग रख दे, किसी का नाम रख दे, वो सब क्या हो जाएगा, इस्मी हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया इस्मी का एग्जांपल या किस तरह से होता है और इस्मी कहते हैं किसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कुन्नियत, कुन्नियत के बारे में देखिए, कुन्नियत किसको कहते हैं, तो कुन्नियत वो नाम है या वो अलम है जो औलाद की निस्बत से माँ बाप या माँ बाप की निस्बत से औलाद मशहूर हो जाता है। ओके, ये समझिए, बहुत बेहतर तरीके से समझिए, कुन्नियत एक ऐसा नाम है जो या तो औलाद की निस्बत से माँ बाप या तो माँ बाप की निस्बत से औलाद जो है मशहूर हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि औलाद कुछ ऐसा काम कर जाए जो उसके बदौलत से माँ बाप जाने लगे, या तो माँ बाप के वजह से बाप यानी कि बाल बच्चा जाने लगे। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें मेनली रूप से क्या होता है, जो कुन्नियत होता है, उसके एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कुन्नियत में ज़्यादा करके एग्जांपल अबुल इब्न बिन्त इस तरह से लगा रहता है। जैसे कि एग्जांपल देखें, अबुल कासिम, ओके, इब्न मरियम, यानी कि इब्न मतलब पता क्या, अब तो इब्न में से होता है बेटा, अब मरियम में से होती बेटी होती हैं। अब अगर किसी को कोई बेटा है फेमस हो गया, लेकिन उसका नाम नहीं पता, उसका अब्बू का नाम पता है या तो किसी का नाम पता, माँ का नाम पता, मान लेते मरियम नाम के माँ का नाम पता हुआ है, लेकिन उसका बेटा का नाम नहीं पता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इब्न मरियम बोलते हैं, यानी कि मरियम का बेटा, बिन्त सलमा यानी कि सलमा की बेटी। ओके, इसी तरह से जो भी कोई नाम हो, या तो माँ बाप की वजह से या तो औलाद की वजह से कोई भी एक दूसरे से कोई फेमस हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, कुन्नियत बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल पहचानने का यही तरीका है, या तो अबुल लगा रहे, या तो इब्न लगा रहेगा, या तो बिन्त लगा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कुन्नियत आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, लकब, लकब किसको कहते हैं।
तो लकब वो नाम है जो किसी खास सिफत की बिना पर किसी शख्स की तरफ से दे दिया गया, यानी कि किसी आदमी का कुछ नाम रख देते हैं, उसमें कुछ खूबी होती है, कुछ गुण होता है, तो कुछ क्वालिटी होता है, तो उस क्वालिटी के बिना पर कोई शख्स जो है हम आप जो है उसका नाम देते हैं। ओके, हम हो या आप कोई भी हो, देखते हैं उसमें कुछ खूबी होता है तो उसके उस या तो कुछ खराबी भी होता है तो उसको हम लोग नाम रख देते हैं। जैसे देखिए बुलबुल हिंद, ये कोई सरकार नाम नहीं रखती है, हम ही आप में से कोई नाम रख देते हैं बुलबुल हिंद। या तो देखिए शेर बिहार, ओके बिहार का बहुत ताकतवर है तो शेर बिहार करते हैं। चिरागे दिल्ली, कुछ ऐसा आदमी है जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको चिरागे दिल्ली बोल देते हैं। ओके, किसी को आप नाम भी सुने हो बुलबुले बंगाल, यानी कि बंगाल का बुलबुल बोल देते हैं। तो इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। या तो देखिए ऐसे हवा पहलवान, इस तरह ही बोल सकते हैं, नाम उसका कुछ और लेकिन हवा पहलवान हम लोग उसको क्या करते हैं, कोई पतला दुबला आदमी है यानी कि उसका खूबी यही है पतला दुबला है तो उसका नाम लोग हम लोग रख देते हैं हवा पहलवान। तो इस तरह से कोई एक ऐसा नाम जो किसी कोई आदमी कोई शख्स रख देगा, ओके हम आप ही रखेंगे, कोई सरकार नहीं रखेगा, किसी शख्स की तरफ से वो नाम दे दिया गया तो उसको क्या बोलेंगे, लकब बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे इसका एग्जांपल क्या होता है, बुलबुल हिंद, शेर बिहार, चिरागे दिल्ली, बहुत सारे एग्जांपल इसका है। ओके, यानी कि समझना है कि कोई शख्स के द्वारा ये नाम दिया गया हो किसी सिफत के बिना पर। ओके, अब देखिए मेरा नेक्स्ट चौथा नंबर खिताब। खिताब कहते किसको, तो खिताब के बारे में जानते होंगे आप, वो नाम है जो किसी खास सिफत की बिना पर सरकार की तरफ से कोई नाम दे दिया गया, यानी कि कोई आदमी में खूबी है या खराबी है तो सरकार उसको नाम दे दिया गया, सरकार उसको कुछ उसको नाम से पुकार दिया जाता है। जैसे देखिए पद्म भूषण, ओके देश रत्न, अमीर शरीयत, इस तरह से ये सब जो नाम है कोई हम आप नहीं दिए हैं, ये सरकार की तरफ से दिया हुआ है। जैसे कि आप देखें बापू, ये भी क्या है, सरकार की तरफ से दिया हुआ है, कोई हम आप नहीं रखे, सरकार की तरफ से दिया हुआ है बापू। देश रत्न भी हम लोग बोलते हैं। ओके, अमीर शरीयत, कोई शरीयत का बहुत बड़ा माहिर होता है तो सरकार उसका नाम अमीर शरीयत रख देता है। ओके, तो इस तरह से जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, खिताब हो जाएगा। ओके, तो खिताब याद रखें कि खिताब वो नाम है तो जो सरकार की तरफ से किसी खास लोग को यानी कि उसकी खूबी या खराबी के बिना पर उसका नाम दे दिया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, खिताब बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा एग्जाम्पल आप खिताब का समझ गए होंगे। इस तरह का एग्जाम्पल अगर आपको रहे तो आप उसको टिकॉट करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि इनमें से कौन खिताब है, अब ऑप्शन एग्जांपल दे देगा, लकब का एग्जांपल दे देगा, खिताब का एग्जांपल दे देगा, कुन्नियत का एग्जांपल दे देगा। तो आप खिताब को अगर जान रहे हो तो आराम से टिकॉट कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट में देखिए पांचवा नंबर, उर्फ किसे कहते हैं। उर्फ के बारे में तो पता होगा, तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, वो नाम है जो अपनी अपने असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाते हैं, यानी कि असल नाम कुछ और है लेकिन मशहूर कुछ और नाम से हो गए। जैसे देखिए एग्जाम्पल बोलने से समझ में आ जाएगा, जैसे गोलू, नाम कुछ और है लेकिन उसको गोलू गोलू बोलने लगे। पप्पू, नाम कुछ और लेकिन पप्पू से बोलने लगे और पप्पू के नाम से मशहूर हो गया। कल्लू है ना, अन्नू, लड्डू, डड्डू, इस तरह से बहुत सारा नाम है ऐसा है जो आपके मन में आ रहा होगा और शायद आपका भी नाम होगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका क्या क्या नाम उर्फ है, थोड़ा सा आप भी थोड़ा कमेंट करके मुझे चाहे तो बता सकते हैं। तो ये उर्फ तो आपको इजी समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई किसी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए छठा नंबर और लास्ट देखिए क्या बोलता है, तखल्लुस। तखल्लुस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार तखल्लुस और खिताब ये जो है ना बहुत बार एग्जाम में आता है। तखल्लुस क्या होता है, वो नाम है जो शायर जो है जो शेर लिखते हैं, जो गज़ल शेर या तो फिर मसनवी जो भी है, शेर शायर अपने असली नाम की जगह छोटा सा नाम यूज़ करते हैं शेर में, उसको कहते हैं तखल्लुस कहते हैं। यानी कि शायर अपना शेर में वो नाम यूज़ कर लेता है लेकिन पूरा नाम यूज़ नहीं करता है। जैसे असदुल्ला खां गालिब हो गया, ओके असदुल्ला खां गालिब, तो असदुल्ला खां पूरा नहीं यूज़ करेगा, सिर्फ गालिब यूज़ करेगा और उसके ऊपर में इस तरह का निशान दिया रहेगा। तो इस तरह का निशान दिया रहता है कहाँ पे, तखल्लुस पे दिया रहता है। ओके, तो इसका तो सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया, डिफिनेशन हो गया कि वो एक ऐसा नाम जो शायर यूज़ करेगा। ओके, जो शेर पढ़ेगा वही यूज़ करेगा और अपना शेर में अपना नाम डालेगा लेकिन छोटा सा नाम डालेगा। जैसे एग्जाम्पल थे गालिब, मिजाज लखनऊ के नाम सुने होंगे, इकबाल, अल्लामा इकबाल इसका नाम है लेकिन इकबाल यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा है, हाली, दहलवी, बहुत सारा एग्जांपल आपको मिलेगा। आप अपने उर्दू में पढ़ रहे होंगे तो शेर देखिए, खोलिए अपने उर्दू किताब में, शेर खोलिए, गज़ल का खोलिए और आपको उसमें लास्ट में, ओके लास्ट में आपको दिखेगा। और इसमें से ये सिंपल सा एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तखल्लुस इस्तेमाल कौन करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो शायर हो गए वो तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो
इस तरह से आपको जो है ये छोटा सा मैं आपको ग्रामर का लेके वीडियो आया था जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और मैं आपको बता दूं, आपका जो उर्दू का एग्ज़ाम होता है 50 नंबर का, उसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें से लगभग 40% के आसपास जो है ग्रामर क्वेश्चन आती है। ओके, किताब से तो रहेगा ही, लेकिन 35 से 40% जो आपको ना ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा, अलम के रहेगा, बहुत सारा रहेगा इसमें रहेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे ग्रामर का भी लेसन आपको कवर कराता जाऊँ, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्ज़ाम में ग्रामर से भी दुश्वारियाँ नहीं हासिल करनी होगी। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आ गई होगी तो मुझे बताएं, सबूत दीजिए, अपना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने YouTube में सर्च किया अलम की किस्में, लेकिन कहीं भी अलम का किस्में हमको दिखा नहीं। मैंने किताब को देखा, उसमें देखा अलग अलग टाइप से उसका डेफिनेशन था, लेकिन मैंने अपने ढंग से अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया, नॉर्मल ढंग से इसको मैं लिखा हूँ। तो चाहे तो आप इसके स्क्रीन शॉट कर लीजिए अपने डाउन, या तो फिर आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर यही चैनल का नाम सर्च करेंगे, ए ऑनलाइन सोल्यूशन, उस पर मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उसमें कमेंट करेंगे पीडीएफ के लिए तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।